बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मूली गिटानी सूप। साउथ इंडियन डिश है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। किसी भी आप अच्छी कुजीन में जाएंगे, आपको ये सूप जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होगा। इसका मतलब है मिर्च वाला पानी। काली मिर्च का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। कुछ ऐसा पहले मुझसे फरमाइश की गई थी कि कोई ऐसा सूप बनाओ जिसके अंदर यखनी का इस्तेमाल ना हो, चिकन स्टॉक यूज़ ना हो। तो ऑलमोस्ट सभी सूप्स में चिकन स्टॉक का यूज़ होता है। बहुत कम ऐसे हैं जैसे लेंटल्स के सूप बनते हैं उसके अंदर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। आज मैं इसके अंदर चिकन स्टॉक नहीं डालूंगी, सिर्फ वेजी की स्टॉक बनाएंगे। सारी चीज़ें इकट्ठी ही हम पकाएंगे, अलहदा से मैं स्टॉक बना के इसके अंदर वेजीज़ का नहीं डालूंगी। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। एक कप मैंने चने की दाल ली है, ये बेसन के साथ भी बनता है। आप बेसन के साथ बनाना चाहें तो बनाएं, मुझे बेसन की निस्बत दाल के साथ जो मैं बनाती हूँ वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपके साथ वही तरीका शेयर कर रही हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। एक कप चने की दाल लेके इसको रात को मैंने भिगो दिया था। आधा कप मैंने मसूर की दाल ली है, ये जाएगी इसके अंदर। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, एक इंच अदरक का टुकड़ा है, ये 5-6 जो भी मेरे पास लहसुन के हैं, ये 3 मेरे पास करी पत्ता है। करी पत्ता आपने ज़्यादा नहीं डालना, अदरवाइज़ आपको इसी का फ्लेवर आएगा, सूप का जो असल फ्लेवर है वो इसमें ख़त्म हो जाएगा। एक स्टिक मैंने ली है सैलरी की, एक गाजर ली है, यहाँ पे मेरे पास ये सब्ज़ एप्पल है, यहाँ पे इसको ग्रेनी स्मिथ एप्पल बोलते हैं, ये कुकिंग एप्पल है। आपको अगर नहीं अवेलेबल है तो कोई मसला नहीं है, आप वो एप्पल लें जो आपके यहाँ मिलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिठास ना हो। यहाँ पे मेरे पास 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी है, 1/2 टीस्पून जितना ही मेरे पास गरम मसाला है, 1/2 टेबलस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून जितनी काली मिर्चें हैं साबुत, ये जाएंगी इसके अंदर। आप इसको बटर में, ऑयल में या देसी घी में जिसमें भी चाहें बना सकते हैं। मैं 2 टेबलस्पून देसी घी के डालूंगी इसके अंदर। 2 लीटर में पानी डालूंगी क्योंकि मुझे स्टॉक भी चाहिए और हमने दालें भी गलानी है। मैं अलहदा से गला के नहीं कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें इकट्ठी पकाऊँगी और उसके बाद फिर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। 2 टेबलस्पून जितना ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जो हमारे पास काली मिर्चें पड़ी हुई थी, 1.5 टीस्पून नमक और मिर्च आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्चें मत डालिएगा क्योंकि फिर इसमें और सालन में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। थोड़ा सा इनको मैं कड़कड़ाऊंगी। इसके बाद फिर इसमें प्याज डालेंगे, थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे, फिर अदरक और लहसुन डाल देंगे और फिर बाकी की सारी सब्जियां दालें साथ डाल के थोड़ी देर इनको भुनेंगे और फिर इसमें पानी डाल देंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। ये अभी तक मैंने हाई पे की हुई थी, अब मैं इसको ले जाऊंगी मीडियम पे। अदरक और लहसुन चला गया है, हो गए हैं थोड़े से फ्राई। अब मैं सैलरी और गाजर डाल दूंगी अंदर। 3 करी पत्ते चले गए हैं अंदर, साथ ही यहाँ पे दाल रखी हुई थी चने की और मसूर की, वो चली जाएगी अंदर। चने की जो दाल है ये 1 कप मैंने भिगोई थी रात को, तो थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। बाकी के मसाले भी इसमें डाल दूंगी। मीडियम साइज का ये मेरे पास था एप्पल जो मैं अंदर डाल रही हूँ। अब मैं पानी डाल दूंगी। लीटर इसमें मैंने पानी डाल दिया है। हीट को जो है वो थोड़ा सा और लो पे ले जाऊंगी, मीडियम टू लो पे रखूंगी और इसको ढांप के पकने दूंगी। पकता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सूप हल्की आग के ऊपर पक रहा है आहिस्ता आहिस्ता, पहले से थोड़ा ठीक हो गया है लेकिन सारी चीज़ें अभी बहुत अच्छे से गली नहीं है।
अगर सूप की चीज़ें बहुत अच्छे से गली ना हों तो आप इसके अंदर और पानी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं इसको ऐसे ही हल्की आग के ऊपर पकने दूंगी। अब बनता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सूप जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हल हो गई हैं, पक गई हैं। अब मैं इसको जो है वो ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सूप को कर लिया है मैंने ब्लेंड और दोबारा चूल्हे पे रख दिया है सॉसपैन में डाल के। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ये होनी चाहिए। अब मैं सिर्फ इसको एक से दो उबाल आने दूंगी और उसके बाद इसको चूल्हे से उतार लूँगी। नमक और मिर्च मैंने चेक किया है, बिल्कुल पूरा है इसके अंदर। सर्व करेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूँगी, येलो के साथ सब्ज़ बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको निकालती हूँ तो दिखाती हूँ। सूप तैयार है। इसको आप डिनर रोल के साथ सर्व कर सकते हैं या बॉयल्ड राइस के साथ सर्व किया जा सकता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।